हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिफरेंशिएशन के प्रोडक्ट रूल से उसका डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करेंगे वो आज हम सीखेंगे। मान लीजिए ये दो फंक्शन है, e की पावर एक्स इंटू कॉस एक्स। अब हम इसे देख सकते हैं कि इसमें ये एक फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन है, ठीक है। और हमें इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अगर हम प्रोडक्ट रूल देखें तो ये प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला लिखा हुआ है। अगर ये फर्स्ट फंक्शन मान ले और ये सेकंड फंक्शन मान ले, तो डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन इज इक्वल टू सेकंड फंक्शन एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फिर उसके बाद फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो इसमें हम किसी को भी फर्स्ट या सेकेंड ले ले, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना और सेकंड फंक्शन एज इट इज लिखना है, ठीक है। तो ये कॉस एक्स एज इट इज लिख दिया इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिख दिया और डेरिवेटिव निकाला हमने सेकंड फंक्शन का, ठीक है। तो ये हो गया कॉस एक्स, डेरिवेटिव ई की पावर एक्स इज ई की पावर एक्स, यहाँ पर ई की पावर एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इज माइनस ऑफ साइन एक्स, ठीक है। और ई टू द पावर एक्स कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स, ठीक है। तो ऐसे आप प्रोडक्ट रूल का यूज करके कोई दो अलग अलग फंक्शंस है, जैसे इसमें एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ऐसे फंक्शंस का आप डिफरेंशिएशन इजिली प्रोडक्ट रूल से निकाल सकते हैं, ठीक। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि हम e टू द पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो इसको फर्स्ट माना, इसको सेकंड माना, तो सेकंड फंक्शन एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर e टू द पावर एक्स का तो डिफरेंशिएशन e टू द पावर एक्स ही होगा प्लस ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स। अगर ई टू द पावर एक्स कॉमन ले ले तो यहां बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल जहां जहां हमें फंक्शन ऐसा मिलता है कि हम उसे दो फंक्शन के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं, तो हम प्रोडक्ट रूल वहां पर लगाएंगे और इजिली उस डिफरेंशियल डिफरेंशिएशन की। अब इस टाइप का आपको फंक्शन गिवन हो, जैसे ई टू द पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसके डेरिवेटिव निकालने में आपको प्रोडक्ट रूल तो लगेगा, उसके साथ में आपको कॉम्पोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी लगेगा, ठीक है। तो चलिए इसको भी समझते हैं। इसका डिफरेंशिएशन हमको निकालना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो अभी तो हम इनिशियली मान लें कि ये दो अलग अलग फंक्शन के प्रोडक्ट के फॉर्म है, और इसे हम फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं और इसे सेकेंड फंक्शन मान लेते हैं। और अगर हम इस फॉर्मूल के हिसाब से इसे लिखें तो यहां पर हो जाएगा लॉग ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये तो सिंपल हो गया, लॉग ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाय सॉरी इंटू टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन निकालना आप यहाँ थोड़ा समझे तो आपके लिए ही इजी होगा, ठीक है। अब हमें लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन तब कर पाएंगे जब हम उसे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, वन बाय एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, एक्स तो है नहीं, यहाँ पर है वन बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें डी ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। और इन दोनों को इंटरचेंज कर देता हूँ क्योंकि डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो ये डीएक्स में यहाँ लिख देता हूँ और ये यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा डीएक्स, ठीक है। अब जैसे यहाँ एक्स लॉग एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो वन बाय एक्स आया, तो अब यहाँ पर लॉग ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर को वन प्लस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो यहाँ पर एक्स था तो यहाँ पर क्या जाएगा, वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसका डिफरेंशिएशन आप इजिली कर सकते हो, अगर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम
डी बाई डी एक्स ऑफ वन प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉन्स्टेंट इज जीरो, तो ये टर्म लिखने का कोई मतलब ही नहीं, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन है 2x। ठीक है, तो ये आ गया इसका फाइनल डिफ्रेंसिएशन। e टू द पावर x कॉमन ले लें तो इसका डिफ्रेंसिएशन ये होगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम थोड़ा सा टफ है, और इसके लिए आप हमारा कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन को का वीडियो आप देखेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम और इजीली समझ में आएगा। ठीक है, आई होप दैट दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू आर न्यू ऑन माई चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।